में पुलिस अधीक्षक की अपील का लोगों पर काफी असर पड़ा है, जिसके दौरान अवैध रूप से गांजा बेच रहे एक दिव्यांग सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर लोगों से अवैध कार्य करने वाले लोगों पर नकेल कसने के लिए कहा, सूचना देने की अपील की थी, जिस पर चकिया, अली नगर और सदर कोतवाली के 6 लोगों ने पुलिस अधीक्षक को सूचित करके अवैध रूप से गांजा बेचने की शिकायत की थी। सूचना पर पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल द्वारा क्राइम ब्रांच के प्रभारी अभय कुमार सिंह के नेतृत्व में गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जनता की सूचना पर पुलिस अब अपराध को रोकने के लिए तत्पर है। तत्काल सूचना मिलते ही पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई में जुटी है। 2 दिन पहले चंदौली पुलिस ने जनता से अपील की थी कि उनके क्षेत्र में कोई अगर मादक पदार्थ बिक रहे हैं गुप्त रूप से और वहाँ के पब्लिक को परेशानी हो रही है, वहाँ का जो नौजवान है बिगड़ रहा है, तो हमने जानकारी मांगी थी, जिस जानकारी में हमें ढेर सारी गुप्त सूचनाएं आई हैं। उन सूचनाओं पे हमारी एसओजी टीम ने काम किया और जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 5 लोग को अरेस्ट किया गया है, जिनसे कमर्शियल क्वांटिटी में हमें गांजे की बरामदगी हुई है और फर्दर ये भी पता लगा है कि उनको कौन सप्लाई कर रहा था, जिस पे आगे कार्रवाई की जाएगी। और जनता का ये सहयोग के लिए मैं जनता को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। आगे भी ऐसे प्रोसेस जारी रहेगा, आगे जैसी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी हम उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। जो हमारे ये उद्देश्य है कि नौजवान को नशे से बचाना है, इस उद्देश्य में हम अगर सही सहयोग रहा तो हम कामयाब।